प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ये छापेमारी चल रही है। 25 अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। 25 अलग अलग जगहें हैं जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी द्वारा ये छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। 25 अलग अलग जगहें हैं जहां पर ये रेड जो है वो चल रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली की जो आबकारी नीति घोटाला है उसी मामले में एक बार फिर से ईडी का ये रेड चल रहा है। 25 अलग अलग जगहें दिल्ली में बताई जा रही है जहां पर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। इससे पहले भी दिल्ली के शराब नीति घोटाले पर कई बार आपको बता दें छापेमारी की जा चुकी है। और हमारे सहयोगी भवतोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवतोष, एक बार फिर से ईडी की छापेमारी चल रही है, 25 अलग अलग जगहें बताई जा रही हैं, क्या कुछ जानकारी और निकलकर सामने आ रही है भवतोष? देखिए श्वेता जी, करीब 25 जगहों पे ये सर्चेज चल रही हैं। 22 अगस्त को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहली बार इस पूरे मामले में एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर्ड किया था। उन्होंने संज्ञान सीबीआई की एफआईआर का लिया था। उसके बाद से चार बार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 163 जगहों पे रेड्स और सर्चेस की हैं, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक व्यापारी समीर महेंद्रू को अरेस्ट किया है। अगर हम समीर महेंद्रू की रिमांड पेपर को देखें तो उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिखाया कि कैसे दिल्ली की आबकारी नीति को बदला गया था, और उसको बदलने के बाद बहुत सारे चेंजेस ऐसे किए गए थे जिससे कि कुछ व्यापारियों को फायदा हुआ था। फायदा ऐसे हुआ था कि व्यापारी जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में थे, शराब बनाने के बिजनेस में थे, वो इलीगली रिटेल के बिजनेस में आए थे। समीर महेंद्रू रिटेल बिजनेस में आके उनको लाइसेंस दिया गया था, L1 और L7 का लाइसेंस, जो कि उसके लिए वो एलिजिबल नहीं थे, और उसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 8 महीने में, नवंबर 2021 जो पिछले साल का था और जून इस साल के बीच में 8 महीने में उसने 50 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कई सारे नेता और जो पॉलिसी मेकर थे उनको सीधा घूस दी गई थी, लेकर जो पॉलिसी थी, आबकारी नीति थी, उसको इस ढंग से चेंज किया गया था कि लोगों को ऐसे लगे कि एक्साइज पॉलिसी से डायरेक्टली कंज्यूमर्स को प्रॉफिट किया जाएगा। कई जगहों पे इसमें रेट सर्चेस चल रही हैं, दिल्ली NCR और बाकी जगहों पे, और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई बहुत जल्दी करने वाला है। जी बहुत आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।